Let's crack Raisan exams with India's top educators on an academy. You can find your educator from this list. Create account after installing an Academy learning app from Google Play Store. Choose a plan from the list. Guys, यहाँ RPSC के सब्सक्रिप्शन आपको दे रखे हैं. आप अपनी चॉइस के आधार पर, चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान ले सकते हैं. मैं सजेस्ट करूँगा आप 24 मंथ का प्लान लें. ये आपको 9100 का आपको पड़ेगा. अगर इफ़ यू डू पेमेंट यूजिंग लाइब्रॉइड प्रोमो कोड एंड प्रोसीड टू पे, तो आपको एक कोर्स 8190 में अवेलेबल हो जाएगा. यहाँ आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब आपको यहाँ एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेने में आपको मिलता रहेगा. हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन आई वुड लाइक टू से अबाउट मी. आई एम अजीत रॉयड, मेमोरी एक्सपर्ट. वेलकम्स यू टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ ग्रामर ऑन अनअकैडमी. तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, और आज के सेशन में हम वापस बात करने वाले हैं एरर के कुछ क्वेश्चंस की. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम उन क्वेश्चंस को समझने के लिए कुछ ट्रिक्स भी जान रहे थे कि हम उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं. तो चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कल हमने क्या पढ़ा था. एक तो हमने ट्रिक पढ़ी थी कि अल्लाह की रहमत से मैंने आसमान में डिश लगा दी, और डिश जैसे ही लगाई तो सूरत के जो लोग थे उनको सरप्राइज हुआ. देखिए, ए एल ए अल्लाह की रहमत से मैंने आश मान में डिश लगाई, और जैसे ही डिश लगाई तो सूरत के लोगों को शौक हुआ, यानी कि एस यू आर सूरत के लोगों को शौक हुआ. ये सब अपने बाद, ये जितने भी हैं ये अपने बाद क्या क्या लेते हैं जरा देखिए. एच एस एम एन डेस, ये सब अपने बाद एट का यूज करते हैं. अगर हम इनका यूज पैसिव वॉइस में करते हैं तो अल्लाह से बना अलार्म, ए एस से बना एस्टोनिश, ए एम से बना अमेज, ए एन से बना एनॉइड, ए एस से बना सॉरी डी आई एस से बना डिसपॉइंटेड और डिस्ट्रेस्ड, एस यू आर से बना सरप्राइज, और एस एच ओ सी के से बना शॉक्ड. ये सब अपने बाद ऐड लेते थे. नो सुनर वाले सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि ये जो हेड है ये हेड आपको आगे रखना है और आई आपको पीछे रखना है. क्यों? क्योंकि नो सुनर जो है वो नर्सों का पार्ट है, और नो सुनर यानी कि जो नर्सों का पार्ट होगा वो अपने बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा. अपने बाद पहले क्या लेगा भाई? हेल्पिंग वर्ब लेगा. तो देखिए, ये कुछ मैंने वर्ड्स बताए थे नर्सों के. नर्सों में कौन कौन से? एक तो नेवर है, एक नो सुनर है, एक बटालसो है, एक आपका अंडर नो सर्कमस्टेंसेज है, आर से रेयरली है, स्केर्सली सेल्डम, एस से, एच से हार्डली है, और ओ से आपका ओनली प्लस टाइम है. तो ये सब अपने तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. ये जितने भी हैं ये सब अपने बाद क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब. 1 2 3 4 5 6, ये सब अपने बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. अब अगला क्वेश्चन है, कल मैंने ये दो ट्रिक आपको इंपॉर्टेंट बताई थी. अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको एरर बताना है, और एरर बताने से पहले मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं. पहले आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा. स्टार्ट. Time up. जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, the officer is angry on the clerk for not attending the work. इस सेंटेंस में ये जो angry वर्ड दे रखा है इसके बाद में on का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि angry एक ऐसा शब्द है जो अपने बाद या तो at लेता है या with लेता है. अब at और with का यूज, यानी कि angry के बाद यहाँ on का यूज नहीं होगा. यहाँ या तो at आएगा या on आएगा. अब इन दोनों में से कौन सा आएगा ये मैं आपको बता दूं. तो देखिए, कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, इसको समझने के लिए, कि angry के बाद आपको एट कब लेना है और विद कब लेना है. जब आप एंग्री यानी कि नाराज किसी व्यक्ति विशेष से होते हैं तब आप विद यूज करें, यानी कि नाराजगी हमारी इंसानों के साथ होती है, राइट ना? किन के साथ होती है? इंसानों से होती है, इंसानों के साथ, इंसानों की वजह से होती है. तो आप यहाँ एंग्री के साथ में विद यूज करेंगे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी. समबडी की अगर आप बात करें, और समथिंग की अगर आप बात कर रहे हैं
ओके अगर आप समथिंग की बात कर रहे हैं तो आप एंग्री के बाद में एट यूज करें। तो एंग्री का फंडा बहुत ही क्लियर है। एंग्री कहता है कि मेरे बाद एट तभी लें जब आप समथिंग अगर मेरी बात यूज ले रहे हैं, और एंग्री के बाद आप विद तभी लें जब आप समबड़ी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपको कहीं किसी सेंटेंस में एंग्री दिखाई दे जाए, उसके बाद खाली जगह हो, तो खाली जगह के बाद देखिए क्या है। यहाँ आपको अगर कोई वस्तु दे रखी है, कोई थिंग दे रखी है, तो थिंग फॉर टी और टी फॉर एट। और अगर यहाँ थिंग नहीं है, कोई पर्सन दे रखा है, तो पर्सन के लिए आपको फ्रेज का अपोजिट याद रखना है, बोलो क्या विद। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको किसी वस्तु की बात कर रहा है तो एट यूज करना है, और किसी व्यक्ति की अगर आपसे वो बात कर रहा है तो आपको वहाँ यूज करना है विद। तो यहाँ बात कर रहा है कि वो जो एंग्री है किससे? द क्लर्क से है। एंग्री ऑन द क्लर्क, देखिए एंग्री ऑन द क्लर्क। तो ये क्लर्क क्या है? ये व्यक्ति है, ये पर्सन है। और पर्सन से अगर कोई एंग्री होगा, या पर्सन से अगर कोई एग्री होगा, या पर्सन से अगर कोई सेटिस्फाइड है, या पर्सन से कोई प्लीज है या डिसप्लीज है, यानी व्यक्तियों के साथ में अगर कुछ इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं या इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं, एंग्री होना, एग्री होना, सेटिस्फाइड होना, प्लीज होना, डिसप्लीज होना, तो पर्सन के लिए तो विद लगाना है आपको। और पर्सन नहीं है, नॉर्मल कोई थिंग दे रखी है, कोई वस्तु दे रखी है, तो गाइज आपको वहां एट का यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो एंग्री के साथ में ऑन नहीं लगाना है, एंग्री के साथ यहाँ क्या लगाना है? विद, क्योंकि क्लर्क की वजह से। किसकी वजह से? क्लर्क। चलिए, यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ज्यादा नहीं समझाना है आपको। एक तो ये शब्द आ गया समझ में, एंग्री, ANGRY। एक है एग्री, एक है सेटिस्फाई। ये देखिए, ये कुछ ऐसी क्रियाएं जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ होती हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ होती हैं। तो गाइस आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको छोटा सा काम करना है, व्यक्ति विशेष के साथ है तो इनके बाद विद यूज करना है। एंग्री विद, राइट ना, एग्री विद, सेटिस्फाई विद। सेटिस्फाई के साथ डिससेटिस्फाइड भी हो सकता है, सेटिस्फाइड की जगह डिससेटिस्फाइड भी हो तो भी एक ही बात है, प्लीज हो तो भी एक ही बात है, डिसप्लीज हो तो भी एक ही बात है, लेकिन यहाँ विद यूज होगा। अगर यहाँ विद यूज कर रहे हो तो इसके बाद में पर्सन की बात होनी चाहिए। पर्सन नहीं है, कोई वस्तु, कोई बिहेवियर, इस तरह की चीज दे रखी है, तो फिर विद के स्थान पर वहां आपको क्या यूज करना है? एट यूज करना है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। आपको द सेकंड डे जाते हैं, आप इसमें बताइए क्या एरर है। स्टार्ट। टाइम अप गाइस, देखिए यहां मैं बात करूं, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। इस सेंटेंस में ये ईदर शब्द में प्रॉब्लम है, और वो कैसे प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। पहले इसका आप कॉन्सेप्ट जानिए। कॉन्सेप्ट है, यहां आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक दे रखी है, इनो। इनो इस तरह के कंजंक्शन है, या इनो की फुल फॉर्म अगर पहले हम देखें तो इनो की फुल फॉर्म निकल के आती है ई से। ये देखिए आपके तीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ई से बन रहा है इधर, और एन से बन रहा है नीदर नॉर, और एनओ से बन रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो देखिए यहाँ ये आपको ई दिख रहा है, ई से बन रहा है इधर और, एन से बन रहा है नीदर नॉर, ओ से बन रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इनो क्या कहता है? इनो को हम यूज करते हैं, वी यूज इनो टू कनेक्ट आइटम्स विच आर द सेम ग्रामेटिकल टाइप, एग्जाम्पल चाहे वो वर्ड्स हो, फ्रेजेस हो, क्लोजेस हो। तो सेम कैटेगरी की चीजों को, सेम ग्रामर की टाइप की चीजों को कनेक्ट करने के लिए हम इनो को यूज करते हैं। इनो का यूज होता है सेम कैटेगरी की दो चीजों के लिए। मान लो आपके पास में एक है x, एक है y और एक है 1। तो ये जो 1 है ये है डिजिट और ये आपके हैं लेटर। और मैं आपसे कहूं कि यहां इनो का यूज कौन सी दो चीजों के लिए यूज होगा, तो आप कहेंगे साहब x के लिए और y के लिए। मैं पूछूंगा क्यों? कि गुरु जी सेम कैटेगरी के लिए होता है, तो आपकी सेम कैटेगरी की चीजें इधर लेटर लेटर दो हैं x और y, और यहां 1
लेट मतलब आपका डिजिट है, नंबर है न्यूमेरिकल, तो हम जाहिर सी बात है कि अगर ये डिजिट है तो हम इसको तो इग्नोर करेंगे, क्योंकि इनों के लिए दो सेम कैटेगरी की चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और दो सेम कैटेगरी, आपके पास एक एक्स है और एक वाई है, और इनका यूज जो सेम कैटेगरी की चीज़ें होंगी जस्ट उनसे पहले करना है, यानी कि ये पहला नॉट ओनली नीदर या इधर, इनमें से जो भी आएगा वो पहले से पहले आएगा, बट ऑल्सो नॉर और ये जो आएंगे वो दूसरे वाले से पहले आएंगे। तो इसका मतलब पहला जोड़ा पहले वाले शब्द या वर्ड या फ्रेज से पहले आएगा, और इनका जो दूसरा वाला है ये दूसरे वाले सबसे पहले आएगा, यानी जस्ट पहले पहले इनका हम यूज करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इनो क्या कहता है, सेम कैटेगरी की चीजों के लिए मुझे यूज किया जाए, सेम कैटेगरी की चीजों के लिए मुझे यूज किया जाए। चलिए कैसे, इधर देखिए, यू मस्ट इधर टेल मी, तो यहाँ सेम कैटेगरी की दो चीजें क्या है, टेल मी द होल, एक तो है यहाँ द होल स्टोरी, और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ इट। इसको समझने के लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखो, मैं पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, तब ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आएगा। इनो से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो आता है आपका गाइस प्लेस से रिलेटेड, एक तो आता है आपका प्लेस से रिलेटेड, एक आता है आपका पेयर से रिलेटेड, और एक आता है आपका हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। ये तीन तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको मोस्टली क्या ध्यान रखना है कि जब भी वो प्लेस से रिलेटेड देगा तो वो हमेशा पहला वाला गलत देगा, यानी पहला वाला जो होगा इनो का पार्ट उसे गलत देगा और दूसरे वाले को सही देगा। पेयर में हमेशा दूसरा गलत देगा और पहला वाला सही देगा, यानी कि दूसरे वाले को ही गलत करता है पेयर में। हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा पहले वाले के अनुसार देता है और हमें लगानी होती है दूसरी वाली नाउन के अनुसार। तो यहाँ ये कह रहा है प्लेस यानी स्थान, तो यहाँ आपको ढूंढना है कि ईदर जो है क्या इसका स्थान सही है, ईदर का और यहाँ इसका जो जोड़ा है और, क्या ये दोनों सेम प्लेस पर हैं। तो आप क्या टेक्निक लगाओगे कि पहला वाला ही गलत हो सकता है, दूसरा वाला अपनी सही जगह पर होगा, दूसरा वाला है एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो इसका मतलब एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट के इक्विवेलेंट यहाँ दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट है यहाँ द होल स्टोरी। तो एक पार्ट तो हो गया आपका होल स्टोरी, तो एक तो हो गया आपका होल स्टोरी और एक हो गया एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो दूसरा वाला तो सही दे रखा है, बस पहले वाले को द होल से पहले रखना होगा, क्यों, क्योंकि इनो का यूज, ये जो इनो में ट्रिक बता रहा हूं, ई से इधर और एन से नीदर नॉर और एनओ से नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका यूज, इसके मतलब जो जोड़े हैं उनका यूज, एक एक्स से पहले तो दूसरा वाई से पहले, यानी जस्ट पहले पहले इन दोनों को अलग अलग ऐसे यूज किया जाता है। तो जब दूसरे वाले से पहले दूसरा यूज हो गया, पहले वाले से पहले पहला क्यों नहीं हुआ, तो ये जो पहला वाला है द होल स्टोरी, इससे पहले यहाँ ये यूज होना चाहिए इधर। इसलिए मैं ये कहूंगा, सेंटेंस कैसे बोलूंगा, यू मस्ट टेल मी इधर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। इस तरह से इस सेंटेंस का ये जो एरर है ये क्लियर हो जाता है। तो ये इनो वाली ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है कि इनो जब भी आपके सामने होगा ये आपको तीन तरह के एरर से अवगत कराएगा, इनो जब भी होगा तीन तरह के एरर से अवगत कराएगा, यानी तीन तरह के एरर आपको दिखाएगा, ये तीन चेहरे आपको दिखाएगा, ये दिखाएगा कि उनका प्लेस स्थान सही है या नहीं, पेयर जोड़ा उनका सही है या नहीं, और हेल्पिंग वर्ब सही है या नहीं। तो हम इनके बारे में बहुत लंबी पूरी चर्चा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जब तरीके से पढ़ाया जाता है तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी क्वेश्चंस में मैं आपको हल्का हल्का अगर बता रहा हूँ तो थोड़ा आप बस इतने से ही काम चलाएंगे अभी कि हाँ कुछ इनो है जो सेम कैटेगरी की चीज़ों को जोड़ने के काम आता है, और इसके दोनों जो टुकड़े हैं वो सेम कैटेगरी जो दो चीज़ें हमारे पास होती हैं उनसे जस्ट पहले पहले हमें रखना है। मान लो आपके पास एक आलू है और एक टमाटर है, तो आपको इधर और का यूज़ करना है, तो एक पहला जो है उसको पहले से पहले कर दो, दूसरा जो है वो दूसरे से पहले मतलब पहले कर दो। तो टमाटर और आलू, तो टमाटर से पहले तो इधर लगा दो, आलू से पहले और लगा दो, बात समझ में आएगी नहीं। तो सेम कैटेगरी की चीज़ें होनी चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको आगे आगे रखना है।
तो ये दूसरी चीज इसमें है जो कि अभी आपके काम की नहीं है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड नाउन, ये कह रहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो सेकंड नाउन के अनुसार यूज करते हैं। इसका मतलब अगर ऐसी स्थिति में अगर इनको इनों को अगर हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं तो जो दूसरे नंबर का होता है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। चलिए गाइस देखिए कैसे यूज करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल देखिए गाइस, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई खाली जगह वेटिंग फॉर रामजी लाल। हम दोनों भाई मिलकर के रामजी लाल का इंतजार कर रहे हैं, ये ऐसे कह रहा है क्या? नहीं, ये ऐसे नहीं कह रहा। ये कह रहा है ना केवल तुम बल्कि मैं भी रामजी लाल का इंतजार कर रहा हूं। तो एक है नॉट ओनली यू और एक है बट ऑल्सो आई। यहां नॉट ओनली का, यहां ये जो नॉट ओनली है इसका यूज यू के लिए और इसका जो दूसरा पार्ट है बट ऑल्सो इसका यूज आई के लिए। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दो आपके पास सब्जेक्ट हों और इनों से वो जुड़े हों तो ये ट्रिक कहती है कि जब किसी को गर्मी लग जाए, जब किसी को गर्मी चढ़ जाए तो उसको भैया इनो पिला दो। ऐसी स्थिति में उसको क्या पिला दो? इनो पिला दो। तो इनो यानी कि इनो वाले जो शब्द हैं, जो कंजंक्शन है उसमें दो नंबर का जो है उसके अनुसार क्रिया लगा दो। तो दो नंबर का यहाँ आई और आई के अनुसार इधर आ जाओला इज एम आर में से तो एम, वॉज वर होते तो वॉज, राइट ना, विल बी और शैल बी होता तो आप यहाँ यूज कर लेते शैल बी। तो इस तरह से आपको यहाँ यूज करना है इनो के अनुसार। चलिए मैं आपको इसका ये कॉन्सेप्ट जो है बता ही देता हूँ, होल कॉन्सेप्ट कि कैसे अपन इसको कर सकते हैं। तो गाइस ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, कंजंक्शन के आधार पर ये क्वेश्चन हमें करने होते हैं। और भैया जो कंजंक्शन होते हैं ना बच्चों, वो कंजंक्शन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो। एक वो कंजंक्शन जो कुंवारे हैं, कुंवारे कंजंक्शन, और एक वो कंजंक्शन जो अपने आप में शादीशुदा हैं। कुंवारे कंजंक्शन में जोड़ा होता है एक और शादी, मतलब कुंवारे कंजंक्शन में व्यक्ति होता है एक और शादीशुदा में होते हैं दो। तो ये कह रहा है कि जब कंजंक्शन कुंवारा हो, कम जब कंजंक्शन कुंवारा हो यानी कि एक बोले तो अकेला हो, एक बोले तो अकेला हो, तो उस अकेले वाले को हमेशा दोनों नाउन के बीच में रखना पड़ेगा। यानी कि अकेला कंजंक्शन बेचारा दो दो नाउन के बीच में रहेगा, दो दो नाउन के बीच में रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? कुंवारे कंजंक्शन का। कुंवारा कंजंक्शन दोनों नाउन के बीच में रहेगा। लेकिन जिसकी हो गई भैया शादी, जिसकी हो गई है शादी, तो जिसकी शादी हो गई है उसमें हो गए टोटल दो, और दो दो लोग हो गए यानी कि दो कंजंक्शन हो गए। तो ऐसी स्थिति में बच्चों यानी माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास दो नाउन होंगी ना तो इनका यूज कैसे करना है? एक को पहले वाले के आगे करना है और दूसरे को दूसरे के आगे। तो एक तो आएगा बीच में और एक आएगा आगे। तो यहाँ नीचे वाले पोर्शन में कंजंक्शन कितने हुए? दो। ये तो हो गया C1 और ये हो गया C2। तो अच्छा, जब भी कोई सेंटेंस आपको दिखाई दे, जैसे वापस से देखिए, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई खाली जगह, और यहाँ मैंने दे दिया वेटिंग, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसके अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ नाउन गिनो पहले, ये यू नाउन वन है और ये आई नाउन टू है, तो ये नाउन वन है और ये नाउन टू है। अब ये मत कहना गुरुजी ये नाउन नहीं, ये प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन को एन लेटर्स ही रिप्रेजेंट किया जाता है, आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे तब पता चल जाएगा आपको। तो ये पहली नाउन और ये दूसरी नाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन दोनों को एन से लिखते हैं हम, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, अब यहाँ कंजंक्शन की संख्या गिनो, कंजंक्शन कितने हैं? यहाँ पहला कंजंक्शन नॉट ओनली है, एक आगे है और एक पीछे है, तो आगे वाला C1 और बीच वाला C2। तो जब कंजंक्शन आपके पास शादीशुदा हो, जब कंजंक्शन आपके पास कैसे हो? शादीशुदा, तो दो यानी कि दो नंबर की जो नाउन है उसकी चलेगी, और दो नंबर की नाउन है भैया यहाँ आई,
तो आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ एम। अगर कंजंक्शन अकेला होता, बीच में होता, यानी कि अगर सेंटेंस इस तरह से होता है यू एज वेल एज मनोरमा, यू एज वेल एज मनोरमा खाली जगह वेटिंग, तब ऐसी स्थिति में जब आप कंजंक्शन गिनोगे तो पता चलेगा गुरुजी इधर तो कंजंक्शन एक ही है, यहाँ कंजंक्शन केवल एज वेल एज है। तो ऐसी स्थिति में एज वेल एज जब आएगा तो पहले वाले के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो यू के अनुसार यहाँ आएगा आर। तो आप क्या समझे कि कंजंक्शन कुंवारा होगा तो पहली वाली नाउन के अनुसार क्रिया लगेगी, कंजंक्शन शादीशुदा होंगे तो दूसरी वाली नाउन के अनुसार क्रिया लगेगी। यानी कि इनो के जो कॉन्सेप्ट है वो कितने कॉन्सेप्ट हुए, इनो के जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हुए ई एन ओ, इनो के कॉन्सेप्ट हुए एक तो हो गया प्लेस का, एक हो गया पेयर का, एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब दूसरी वाली नाउन के अनुसार, प्लेस में पहला गलत होता है दूसरा सही होता है, पेयर में दूसरा सही होता है और पहला जो होता है वो जो होता है सॉरी यहाँ पेयर जो होता है पेयर में दूसरा गलत होता है और पहला जो होता है वो सही होता है। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि प्लेस का दे रहा है तो क्या होना है, पेयर का दे रहा है तो क्या होना है और हेल्पिंग वर्ब का दे रहा है तो क्या होना है, तब जा करके भैया थोड़ा बहुत आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा इनो से रिलेटेड। चलिए गाइस कोई बात नहीं, नाराज मत होइएगा। वी यूज इनो टू कनेक्ट आइटम्स विच आर सेम, विच आर द सेम ग्रामेटिकल टाइप, एग्जाम्पल वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉज, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकेंड नाउन और प्रोनाउन इन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में दूसरे वाले के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है इनो वाले केस में, पर इनो ना हो और सिंगल कंजंक्शन हो तो पहले वाले के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ एरर, व्हाट काइंड ऑफ एरर इज बीइंग गिवन इन दिस सेंटेंस। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, स्टार्ट। टाइम अप, देखिए गाइस सबसे पहले तो व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन में ये कह रहा है कि हम अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगे, व्हेन शैल वी अराइव है ना, हम कब पहुंचेंगे। तो जब भी कोई फिक्स पॉइंट फिक्स जगह की हम बात करते हैं तो हम उस फिक्स जगह से पहले एट यूज करते हैं। एट क्या कहता है, एट थोड़ा सा नखरेला है एट, और एट का मैं आपको शुद्धिकरण दे देता हूं, क्या ए से तो बनाओ आप सभी ए और टी से सभी बना लो ट और बीच में बना लो गो जे को ट, तो ये बन गया आपका एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट ट से तो बना टाइम, कैसे बना कंडीशन, ओके जैसे बना जगह और ए से बना एज। इसका मतलब ये हुआ कि एज जगह कंडीशन और टाइम इन चारों में से अगर कोई भी चीज एकदम एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट यानी डेफिनेट यानी निश्चित है के लिए हम एट यूज करेंगे। तो अराइव अपने बाद इस चीज को डिफाइन कर रहा है, निश्चित कर रहा है, तो ये अराइव जो वर्ब है अपने बाद टू नहीं, अपने बाद ये लेगी यहां पर एट। तो अराइव के बाद एट का यहां यूज होगा गाइस, अराइव के बाद एट का यूज होगा। चलिए आई वुड लाइक टू से कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो जाए, क्लास स्टार्ट हो जाए, तो इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो, वो भी देख लेंगे, आप भी देख लेंगे, ठीक है। लाइक तो आप कर ही देते हैं, थैंक यू सो मच। एरर फाइंड कैसे करना है, या एरर ये जो डंडे वाला सिस्टम है ये क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों मान लो आपके सामने ये एक रस्सी है और इस रस्सी में मैंने ये काला पॉइंट लगा दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रस्सी जो है ये 50 मीटर की है और मैं दूर से कहूं कि यार इस रस्सी में एक जगह पे कट लगा हुआ है, मतलब वो रस्सी एक जगह से कट है, मान लो ये मतलब आपका वायर है,
करंट वाला, जिसमें है ना करंट धारा प्रवाहित होती है, और वो इस जगह से शॉर्ट हो रखी है और बाहर से उस पर प्लास्टिक है, तो आपको पता नहीं चल रहा वो आखिर शॉर्ट कहाँ से है। लेकिन हमने उसकी सहूलियत के लिए, जिसने मुझे टास्क दिया था कि आप इस डोरी में, इस वायर में बताओ कि कौन सी जगह पर इसमें कट है, तो दूर से आप देखोगे तो कैसे बताओगे कि उस जगह पर है, इशारे से कैसे बताओगे। तो आपने उस वायर को भागों में डिवाइड कर दिया कि ये भाग ए मान लेते हैं, ये भाग बी मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं, और ये डी मान लेते हैं। तो आप कहोगे भैया जो सी वाला पोर्शन है उसमें गड़बड़ है, क्योंकि सी वाले पोर्शन में जाकर के वो आपको ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए और बी तक ज़्यादा टेंशन नहीं रही, डी में टेंशन नहीं रही हमें, क्यों, क्योंकि सामने वाले ने दूसरे इशारा करके बता दिया भैया सी वाली जो डोरी का जो पोर्शन है, मतलब वो डोरी इतने भागों में डिवाइड कर रखी है, मतलब डिवाइड क्या कर रखी है, उस पर निशान बना रखे हैं उस डोरी पे, उस वायर पर, कि सामने वाले को हर जगह से ना देखना पड़े, तुरंत उसको पता चल जाए कि कौन सी जगह मतलब प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में उसने तुरंत बता दिया भैया सी वाले में प्रॉब्लम है, तो वो सी वाले को पूरे को भले उड़ा दे और बी और डी को जोड़ करके सेंटेंस आगे बढ़ा दे। तो इस तरह से ये जो इसमें डंडे दे रखे होते हैं ना सेंटेंसेस में, ये डंडे इसलिए नहीं होते कि आपको भटकाया जा रहा है, ये डंडे इसलिए होते हैं कि ताकि आप वहाँ सामने वाला 4-5 इसके पार्ट बना करके वो ए बी सी डी करके ऑप्शन दे सके, और आप डायरेक्ट बस उस पोर्शन में एरर बता दो और फालतू की माथापोड़ी नहीं करनी, एक पोर्शन हो गया ये, एक पोर्शन हो गया ये, एक पोर्शन ये हो गया। तो आपको इस तरह से देखना है इनको, इग्नोर करके जब भी एरर देखें तो इनको आप मन मन में इग्नोर कर लें, इन सबको जैसे आप इग्नोर कर दोगे इनसे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है जितने भी, क्योंकि पटवार वाले स्टूडेंट्स के पहली बार आ रहा है ये। अब आपसे कोई कह रहा है कि एरर फाइंड करो, तो अब आपको सेंटेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, आर न्यू नेवर हैड बीन लिविंग एरिजोना, तो वो डंडों से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है कि साहब ये डंडे क्या है, डिस्टर्ब नहीं होना है, वो तो बस आपको केवल और केवल उसको विभाजित करने के लिए, पोर्शन में डिवाइड करने के लिए दिए जाते। तो दोस्तों आप जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि सर इसमें जो एरर है वो एरर यहाँ इस वर्ड में है 10 years में, क्योंकि यहाँ सिंस का यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक है आपके पास फोर और एक है आपके पास सिंस। तो ये जब सेंटेंस में यूज होते हैं टाइम के लिए, एच और बी जब साथ में होता है, यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस जब साथ में होता है, तो हम इनको यूज करते हैं टाइम के साथ। तो सिंस कहता है, सिंस बोले तो एकदम सही टाइम के लिए यूज किया जाता है सिंस, और फे कह रहा है फ, फे फॉर फ, और रे लगा के इसको जी से संबोधित करो फर्जी, जो फर्जी टाइम होता है, फर्जी टाइम जिसमें सोचना पड़ता है उसके लिए लगाते हैं हम फोर, और जो एकदम सही टाइम होता है जो दिमाग में सीधा जाके बैठे उसके लिए लगाते हैं हम सिंस। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं क्या, फोर। बट मैं जानता हूँ कि पटवार कैसे, हमारे बीच में कई सारे घने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पल्ले पड़ता कि साहब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। इसलिए आप इतना ध्यान रखो, अगर किसी ने आपको कोई टाइम दिया, कोई आपको टाइम दे रहा है और वो आपसे कह रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब वो कन्फ्यूजन में रख रहा है, आपके दिमाग में वो चीज़ सेट नहीं हो रही है कि वो आखिर पढ़ा कब से रहा है, यानी कि आपको उससे दोबारा क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा या कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी आखिर कब से पढ़ा रहा है। तो जिसमें आपको कैलकुलेशन लगानी पड़े तो समझ जाओ वो फोर है, और जिसमें आपको सीधा दिमाग में बैठा दे ए यार मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ, सीधा बैठा दिया यार मैं सुबह 7 बजे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तो जिसमें सीधा बैठा दे वो दिमाग में, समझ जाओ वो सही टाइम है और सही टाइम के लिए यूज करेंगे इसे। अब ये कह रहा है कि सिंस 10 years बिफोर, तो 10 years कौन से 10 साल, अब आप 10 साल आप ऐसे कैलकुलेट करने लग जाओगे, अब 2020 चल रही है, 10 घटाओ 2010 से, मान लो आप 2025 में ये सेंटेंस पढ़ रहे हो, फिर 10 साल घटाओ तो वो आंसर हो जाएगा 2015। इसका मतलब आपको कैलकुलेशन लगानी ही पड़ेगी कि वो आखिर वो टाइम जो दे रहा है वो उसका एक्चुअल मेन पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ हमें नहीं पता चल रहा, इसलिए हम यहाँ सिंस यूज नहीं करेंगे, हम सिंस के स्थान पर फोर यूज करेंगे। इसका मतलब गड़बड़ इस सिंस में है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, गड़बड़ इस सिंस में है। अब ये देखो ये सिंस किस किस के बीच में है, ये सिंस बी के बाद है और सी से पहले है, बी के बाद है और सी से पहले, यानी बी और सी के बीच में है ये, तो एरर बी मानू या सी मानू। तो आप ये देखिए ये ए कहाँ लिखा हुआ है, ये पीछे लिखा हुआ है, राइट। ये अगर पीछे लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है पीछे वाला होगा, अगर ये ए आगे होता तो आगे वाले को प्रायोरिटी देनी है,
यानी कि अगर ये ए पहले भिड़ते इधर से देना स्टार्ट कर देता है, ये ए ये है, बी ये है, सी ए, तब तो ये ऐसे देखते हैं, लेकिन ये पहले दे रहा है टुकड़ा, फिर उसका नंबर डाल रहा है, फिर टुकड़ा, फिर नंबर डाल रहा है, फिर टुकड़ा, फिर नंबर डाल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंस इस टुकड़े के बाद है बी वाले के और इसके पीछे है सी, तो ये वाला जो टुकड़ा है इसको सी वाले का माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी पोर्शन में यहां एरर है। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़िए, अगले वाले क्वेश्चंस में देखिए। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, बताइए क्या एरर है। Guys, time up. The patient was accompanied with his friend. मैं आपको बता दूं guys, ये question जो है ये passive voice का है, और passive voice वाले जो question होते हैं उनमें ज्यादातर अक्सर generally 98% हम be plus third वाली क्रिया के बाद subject को जब हम पीछे लिखते हैं तो by का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ accompanied के बाद में with आएगा। वो जो at लगना था वो तो वो आसमान में अल्लाह की रहमत से जो डिश लगाई थी उन शब्दों में एट लगता है बी प्लस थर्ड जुड़ने के बाद, लेकिन ये अकम्पनीड उन शब्दों में से नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल क्रिया समझ के इसके बाद विद के स्थान पर बाई का ही यूज करेंगे। वी विल यूज बाई इन प्लेस ऑफ विद बिकॉज ऑफ देयर इज नो एनी वर्ब, बोले तो फ्रॉम द लिस्ट दैट वॉज गिवन बाई मी टू यू, जो लिस्ट मैंने आपको दी थी अल्लाह की रहमत वाली उसमें से इसमें कोई वर्ड नहीं है, इस वर्ड के बाद आपको यूज करना है इस क्रिया के बाद, वो है आपका बाई। तो एरर आपका, बोले तो आपको गड़बड़ यहां दिखाई दे रही है विद मोर इसके पीछे लिखा हुआ है सी, तो जब भी कहीं आपको वो एरर बनाना हो कि कौन सा एरर, तो उसके जस्ट पीछे देखो कौन सा पार्ट लिखा हुआ है सी लिखा हुआ, तो सी में एरर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे पूछ करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है, फटाफट से इसमें एरर बताइए। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। गाइज आपका टाइम समाप्त हो गया है, और आप लोगों को अगर एरर इसमें नहीं पता चला तो मैं आपको बता दूं, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क बिकॉज ऑफ, यहाँ जो ये वर परमिटेड दे रखा है, ये वर परमिटेड यानी कि ये एक ऐसी क्रिया है, कौन सी बली, ये वर परमिटेड कहाँ है, रेड पान पेन मार्कर, रेड मार्कर रेड, ये रहा। तो वर परमिटेड जो यहाँ दे रखा है गाइज, ये वर परमिटेड यानी ये परमिट क्रिया जो है, परमिट क्रिया अपने बाद पांचवी फॉर्म लेती है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, यानी कि इन्फिनिटिव लेती है। क्या लेती है? इन्फिनिटिव, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट लेगी। तो बोलिए परमिटेड जो है, इसके लिए इसको याद करने के ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट। यहाँ ये कह रहा है कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने बाद, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने बाद पहले ऑब्जेक्ट लेती हैं और फिर लेती हैं पांचवी फॉर्म। पांचवी फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये उनमें से एक है। लेकिन अगर यही क्रिया बी प्लस थर्ड लेकर के आए तो पांचवी फॉर्म और ऑब्जेक्ट का स्थान बदल जाता है। तो यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब बी का पार्ट है और यहां थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रिया को अपने बाद पांचवी फॉर्म चाहिए और यहाँ एंटरिंग फोर्थ फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो यहाँ एंटरिंग के स्थान पे हमें टू एंटर करना पड़ेगा, टू एंटर करना पड़ेगा। किसकी वजह से? परमिटेड की वजह से। क्यों? क्योंकि ये क्रिया ऐसी हम करें क्या, देखिए कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं, जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग। आस्क, एडवाइस, मेरे साथ पढ़ो, सब पढ़ो मेरे साथ, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकोरेज, कंपेल, पढ़ते जाइए, बैग, ऑर्डर, इमेजिन, शाबाश, इंस्ट्रक्ट, परमिट, सब सब गुनगुनाओ, परसुएड, ओके, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच, इट एक्स्ट्रा, आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सारी क्रियाओं को
मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक से याद कराऊंगा, बट इस वाले सेशन में हम ये याद नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ें। इसके लिए आपको न्यू सेशंस के लिए वेट करना है। आई विल अपडेट यू कि न्यू सेशन कब स्टार्ट होगा। जैसे ही अपना कोर्स स्टार्ट होगा, जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा, तो इन सारी चीज़ों की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, और अच्छी स्टोरी वाली ट्रिक बताऊंगा। जैसे मैंने डॉक्टर से पूछा, आई आस्क टू ए डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से एडवाइस ली कि डॉक्टर साहब कैन यू अलाउ मी, क्या मुझे अलाउ कर सकते हो। ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको ये सारे शब्द याद हो जाएं और आपको पता चल जाए कि ये ऐसे शब्द हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेने के बाद फिर पांचवी फॉर्म लेंगे। पहले लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे पांचवी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही एडवाइज टू डू इट बाई मी, ये कह रहा है ही एडवाइज, यानी कि टू डू इट बाई मी। तो ये एडवाइज ऊपर वाले शब्दों में से है। अब एडवाइज जो है ये अपने तुरंत बाद, ये पहले ऑब्जेक्ट लेगा, यानी एडवाइज अपने बाद पहले क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ये सारी क्रियाएं अपने बाद पहले ऑब्जेक्ट लेती हैं और फिर पांचवी फॉर्म लेंगी। तो यहां जो बाई मी था, इसको आप बाई मी को हटाओ यहां से और मी करो, इसको इसके तुरंत बाद रखो। तो आपने पढ़ा इसको ही एडवाइज मी, फिर आपने क्या किया, जो पांचवी फॉर्म थी वो मी के बाद रख दिया, यानी टू डू। तो ये जो टू डू है ये आपने बाद में क्यों रखा, क्योंकि इस रूल की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हमारे बाद ही यूज करोगे आप, यानी हमारे बाद यूज करोगे पहले ऑब्जेक्ट फिर लोगे पांच फॉर्म। लेकिन यदि हम, यानी कि ये सारी क्रियाएं बी प्लस थर्ड में अगर आप हमें यूज करोगे, बोले तो ये सारी क्रियाएं, अगर इन क्रियाओं को बी प्लस थर्ड के साथ यूज किया जाता है, बी प्लस थर्ड यानी कि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको मैं बता दूं, भैया आपको भी समझ आ जाए, आप हमारे लिए बहुत प्रीशियस हो। बोले तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है इन क्रियाओं का, यानी ये क्रियाएं अगर पैसिव वॉइस में हैं तब इनका नियम बदल जाता है। और नियम क्या हो जाता है, तो यानी कि मैं आपको इधर क्लियरली तरीके से लिख देता हूँ, यानी कि ये जो वर्ब्स हैं रूल नंबर फर्स्ट की, इसके दो रूल हो गए, एक तो ऑब्जेक्ट और फिर पांचवी फॉर्म, और एक पांचवी फॉर्म फिर क्या, ऑब्जेक्ट। तो आप मुझे बताइए कि ये जो 05 और 50 यानी कि 05 और 50 जो दिख रहा है, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि ऑब्जेक्ट और 5 ऐसा आना इसका ओरिजिनल रूल है, जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और ऑब्जेक्ट बाद में आना और फिफ्थ फॉर्म का पहले आना, ये इसका ओरिजिनल नहीं बल्कि ये इसका पैसिव वाला फॉर्मेट है, जिसमें आपको बी प्लस थर्ड दिखता है। तो ये जो परमिटेड वर्ब दे रखी है बच्चों, यहां अपने से पहले बी दिया जा रहा है इसके लिए, और परमिटेड बी की वजह से थर्ड फॉर्म काउंट किया जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है ये बी प्लस थर्ड है। अगर ये बी प्लस थर्ड है तो अब ये पैसिव वॉइस का हो गया, और पैसिव वॉइस का होते ही यहाँ जो नियम लगेगा वो 50 का लगेगा, यानी कि टू गो तो आएगा पहले और ऑब्जेक्ट आएगा बाद में। तो अब सेंटेंस इसका बन रहा है करेक्ट, क्या, सी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम। इसका मतलब पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड के लिए ये एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, और एक्टिव वॉइस के लिए एग्जाम्पल ऊपर। तो ऊपर वाला जो नियम है ये एक्टिव वॉइस का है, और नीचे वाला जो नियम है इन्हीं क्रियाओं में पैसिव वॉइस का है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। डेट्स वाई तो कहते हैं कि ये वर नॉट परमिटेड जो है भैया, ये अपने में बी प्लस थर्ड ले रहा है, डेट्स वाई ये अपने बाद पांचवी फॉर्म लेगा। ठीक है, आगे चलिए। देख लीजिए इधर फटाफट, ये बन गया आपका एक नियम, बट इफ दीज आर यूज इन पैसिव वॉइस देन दे आर फॉलोड बाई टू प्लस वी फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इनको यूज किया जाता है। चलिए गाइस बढ़िए आगे, एक और क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। द प्रिंसिपल एंड पॉइंट ऑफ दिस कॉलेज आर वेटिंग फॉर यू, आपके पास से 10 सेकंड और फटाफट बताएंगे इसका एरर। स्टार्ट।
देखिए गाइस, इस सेंटेंस में कह रहा है ये द प्रिंसिपल एंड पॉइंट ऑफ दिस कॉलेज आर वेटिंग फॉर यू। तो मैं आपको बता दूं यहाँ आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल और पॉइंट दोनों एक ही व्यक्ति हैं, पर ये एक व्यक्ति क्यों है ये मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर यहाँ हम पहुंचेंगे। तो देखिए ब्लैंक पीपीटी ले लेते हैं एक, पर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा दें। देखिए गाइस, हमारे पास में जो नाउन होती है ना, वो नाउन एंड से जोड़ी जा रही है अगर, तो कैसे कैसे जोड़ी जाती है, तो मैं यहां लिख देता हूं एन 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 एन। बोले तो अगर हम नाउन को एंड से जोड़ रहे हैं, लेकिन केस है आपका ये नाउन अगर मेड फॉर ईच अदर है, अगर ये नाउन मेड फॉर ईच अदर है, इसका मतलब ये एक दूसरे के लिए काम आ सकती हैं या एक दूसरे में निहित होती हैं या एक दूसरे में घुलनशील है। तो ऐसी स्थिति में जब ये मेड फॉर ईच अदर होती हैं तो ये हमें बड़ा कंफ्यूज करती हैं। पहले लिख देता हूँ मेड फॉर ईच अदर। कैसे? एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लो टीचर एंड फ्रेंड, तो जो आपका फ्रेंड था वो अब टीचर बन गया, जो टीचर था वो अब आपका फ्रेंड है। तो जो टीचर हो सकता है वो फ्रेंड हो सकता है, जो फ्रेंड हो सकता है वो टीचर हो सकता है, या फिर यूं को टीचर अलग है फ्रेंड अलग है, या यूं को ये दोनों ही एक है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा लोग आपको दिक्कत आ सकती है कैसे, कि भाई हमें क्या ध्यान रखना है कि जब आपको कितनी नाउन दे रखी हो, दो, और उन नाउन को किससे जोड़ रखा हो, बोलो एंड से, और वो नाउन अगर मेड फॉर ईच अदर हो, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों नाउन एक भी हो सकती हैं, ये दोनों नाउन एक भी हो सकती हैं, और ये दोनों नाउन अलग अलग भी हो सकती हैं। अलग अलग हुई तो एक इधर की, तब तो ये हो गई दो, और दोनों एक ही हुई तो ये एक तो है ही, दोनों एक ही कहलाएंगी। तो ऐसी स्थिति में क्रिया तो यूज करेंगे हम भैया क्या, सिंगुलर, पर अगर ये दो हुई तो क्रिया यूज करेंगे प्लूरल। बट विडम्बना ये है कि पता कैसे लगाएं कि कब ये दोनों एक हैं और कब ये दोनों दो हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी मदद करेगा ये आर्टिकल। कौन सी वाली कैटेगरी में? जब नाउन दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, मेड फॉर ईच अदर हो, तो ऐसी स्थिति में एंड के अगर एक ही तरफ आर्टिकल दे रखा हो, तब तो समझ जाइए एक ही बार आर्टिकल आया, यानी वो दोनों व्यक्ति एक हैं। अगर एंड के दोनों तरफ आर्टिकल दे रखा हो, एक आगे और एक पीछे, चाहे ए एन दा में से कोई भी हो, लेकिन दोनों तरफ आर्टिकल है, तो समझ जाओ अलग अलग आर्टिकल लगाया तो वो दो हैं। क्यों भाई? क्योंकि एक बात बताओ, सपोज दैट ये पंगत लगी हुई है, ये कुछ लोग हैं खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, आप इस तरह से कुछ लोग हैं पंगत में खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब ये तीन लोग हैं, अब जब मुझे ये साफ साफ तीन लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इनके लिए मैं कितनी थालियां परोसूंगा, बोलो? तीन थालियां परोसूंगा। ये थोड़ी है कि तीन लोग हैं एक ही थाली में काम चला लेंगे। या फिर आपके पास में सपोज दैट खाना खाने वाला आया तो एक ही व्यक्ति था, लेकिन वही व्यक्ति किसी का तो टीचर था और वही व्यक्ति किसी का फ्रेंड था, तो ये जिसके घर गया ये व्यक्ति, उसने देखा यार ये बोले तो सुरेश का तो टीचर है, एक थाली तो इसलिए रख दो, और यार मेरा ये फ्रेंड है एक थाली इसलिए रख दो, बोले तो इस व्यक्ति के थाली परोसी जाएंगी दो। तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? जब टीचर और फ्रेंड एक ही व्यक्ति में संलिप्त है तो दो थाली क्यों, एक ही थाली आएगी। और जब व्यक्ति वास्तव में तीन है तो फिर एक से काम क्यों चलेगा, फिर तो तीनों के लिए तीन अलग अलग थाली आएंगी। तो इसका मतलब यहां क्लियर हो जाता है कि अगर नाउन जो कि एंड से जुड़ी हुई हैं, अगर ये सच में दोनों एक ही हैं, तो आर्टिकल यानी कि थाली एक ही बार आएगी। यदि ये दोनों नाउन अलग हैं, तो भैया थाली एक नहीं, इनके लिए अलग अलग थाली लगाई जाएगी, एक यहाँ और एक यहाँ। अब थाली गिनो, यहाँ ऊपर वाले में थाली अगर एक बार है यानी आर्टिकल एक बार है, तो वहाँ आप इन दोनों को एक ही समझें। अगर यहाँ थाली दो परोसी गई है तो इन दोनों को दो समझें। अगर दो हैं तो प्लूरल क्रिया लगेगी, एक है तो सिंगुलर क्रिया लगेगी। तो देखिए, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और चेंज द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो रोल ऑफ आर्टिकल देखिए, एंड से जुड़ी हुई है सिंगुलर नाउन दोनों तरफ की,
लेकिन आर्टिकल यहाँ आगे दे रखा है तो पीछे चलिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। तो ये कह रहा है कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों से पहले एक ही बार आर्टिकल लगा रहा हूँ और ये कह रहा है कि ये दोनों आ रहे हैं, तो आर्टिकल एक बार है तो इसका मतलब जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, तो यहाँ आर नहीं बल्कि क्या आएगा इज। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाता है आपका द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। तो देखिए इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग्स, आर्टिकल ए एंड द और पजेसिव एडजेक्टिव मस्ट बी यूज बिफोर द फर्स्ट नाउन। अगर वो दोनों एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति के लिए रेफर की जा रही है तो एक ही बार आर्टिकल लगाओ, यानी एक ही थाली लगाओ। आपके कोई अगर मेहमान आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, एक गेस्ट आ रहा है, आप उसकी माल्यार्पण करने के लिए एक ही माला लेके आओगे, दो गेस्ट आ रहे हैं तो दो माला लेके आओगे। ये नहीं कि गेस्ट आ रहे हैं दो माला ले आए, एक लो साहब ये पहनो टीचर होने के नाते, एक ये पहनो चीफ गेस्ट होने के नाते, दो। तो ऐसे मालाएं थोड़ी बनाएंगे, एक व्यक्ति आ रहा है तो, और दो व्यक्ति आ रहे हैं तो एक ही माला से काम नहीं चलेगा। पहले तो पहना दी पहले वाले वो साहब उतार दो माला, एक ये उनको भी पहना देते हैं स्वागत करने के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो एक व्यक्ति की एक माला, दो व्यक्ति है तो दो माला, इसी तरह से एंड के दोनों तरफ दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल लगा दो, दोनों एक ही चीज है तो आर्टिकल एक ही बार लगाओ। लूट मच रही है क्या बार बार आर्टिकल लगाने की, जब चीज ही एक है तो आर्टिकल एक बार लगाएंगे ना, कॉमन कहते हैं उसे, कॉमन जो मैथ में आप पढ़ते हो। इफ टू नाउन्स रेफर्स टू द डिफरेंट पर्सन और थिंग्स द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हो गया। रोल ऑफ एडजेक्टिव, ये कह रहा है कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन ये दोनों जो आप देख रहे हो, अगर इन दोनों के आगे आगे अगर यहाँ थाली लगा दी जाए, यानी आर्टिकल लगा दिया जाए यहाँ भी और यहाँ भी, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल इधर भी है और इधर भी है, तो ऐसी स्थिति में गाइस यहाँ जो क्रिया आएगी वो प्लूरल आएगी। तो वापस समझिए इस चीज को, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सिंगुलर नाउन आर्टिकल लगा दिया, देखो ये देखिए ऐसे झूमता सा हुआ आ रहा है an, तो आगे भी दे दिया और यहां भी दे दिया, एंड के आगे भी है और पीछे भी कह रहा है, और ये फिर कह रहा है कि रिजल्ट हो जाएगा प्लूरल। तो इनकरेक्ट सेंटेंस दे रखा है द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, अब दो दो बार आर्टिकल दे रखा है तो इज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भाई दो बार थालियां दिख रही है ना तो वो दो ही माने जाएंगे, तो यहाँ आर आएगा। तो इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द डिफरेंट पर्सन और थिंग, आर्टिकल ए एंड द और पजेसिव एडजेक्टिव मस्ट बी यूज्ड बिफोर ईच नाउन, बोले तो हर एक नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास चार नाउन है और चारों अलग है तो चारों से पहले लगाना पड़ेगा, और अगर आपके पास चारों नाउन है और वो एक ही व्यक्ति के लिए बोले गए तो आर्टिकल एक ही बार लगाना है भैया। आपको बात समझ आ गई क्या? चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड, आपको दिए जाते हैं 10 सेकंड, फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। भैया टाइम अप, आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, जितने भी लोगों ने यहाँ जवाब दिया है, वेरी नाइस गाइस, मुझे उम्मीद थी। ये कह रहा है वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड, तो यहाँ एक तरह से ये ऑफ जो है आप इसको कंजंक्शन की तरह एक बार कंसीडर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसके आगे और इसके पीछे, यानी कि दोनों तरफ नाउन दे रखी है, तो ये कहता है कि भैया अगर C1 कंजंक्शन एक ही है तो पहली वाली नाउन की चलेगी, क्यों, क्योंकि इनो ही है जो नवाबदार अपने में अपने बाद दो लेता है, यानी कि शादी शुदा कंजंक्शन इनो बताया था, और शादी के बाद लोगों में गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ने के बाद में लोगों को इनो पिला देना चाहिए, क्या पिला देना चाहिए, इनो। तो कहने का मतलब ये है यहाँ इनो थोड़ी है, यहाँ तो ऑफ दे रखा है, अब ये ऑफ दे रखा है तो ऐसी स्थिति में ऑफ से पहले वाली नाउन क्या है, यहाँ बोलो वन, तो वन के अनुसार ही क्रिया लगेगी ना, यहाँ आर नहीं बल्कि यहाँ क्या आएगा इज, क्यों, क्योंकि ऑफ वाले केस में ऑफ से पहले जो नाउन होगी उसी के अनुसार क्रिया लगाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, आई सॉ हिम ए कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी से बताइए।
टाइम अप. आई सा हिम ए कपल ऑफ टाइम, आई सा हिम ए कपल ऑफ टाइम सिंस मे. तो इसमें भैया एरर कौन से वाले पोर्शन में है, एरर क्या है? एरर है यहां देखिए, ये कह रहा है कि गुरुजी मेरा नाम है सिंस, और मेरे बाद अगर किसी ने गलती से भी हिमाकत कर दी ना सिंस प्लस टाइम लेने की, तो सिंस या फोर जब सेंटेंस में दिया जाता है, सिंस या फोर प्लस टाइम सेंटेंस में अगर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सिंस या फोर की वजह से हमें ये दो चीज़ें यूज करनी होती हैं, और उन दो चीज़ों का नाम है एच और बी. एच और बी. अब यहाँ दे रखिए आपको सेकेंड फॉर्म, ना एच है ना बी है, तो हमें यहाँ यूज करना चाहिए एच और बी. तो यहाँ एच और बी अगर मैं यूज करूँगा तो ये एच और बी के रूप में तो ये ऐसे होना चाहिए था, आई हैव बीन सीइंग. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिनको ये इस तरह से डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूं भैया, सिंस या फोर के बाद टाइम दे रखा होता है तो उस सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं जनरली, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन इस तरह से होती है. बोलो हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ हैज बीन यूज करना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ चुके हैं वो उनके लिए, भैया जहाँ चाचा पापा दोनों एक साथ हों तो सिंस फोर आता है, या जहाँ सिंस फोर एक साथ होते हैं वहाँ एच और बी आता है. तो इस सेंटेंस में, इस क्रिया में जो सा है, एच और बी अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा आई हैव बीन सीइंग हिम. तो ये इस तरह से बनना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ हमारे सामने यहाँ क्या है, यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी गड़बड़ है बच्चों, बताऊँ क्या, कि जब स्टेटिव वर्ब आपके पास में हो, अगर आपके पास स्टेटिव वर्ब है तो स्टेटिव वर्ब में आप बी प्लस फोर यूज नहीं कर सकते, और ये जो सा है ये स्टेटिव वर्ब है. मैंने आपको ये पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो और मैं पढ़ा दूंगा. स्टेटिव वर्ब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बच्चों पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने आपको, इससे पहले वाले सेशन में आपने कभी पढ़ा है? तो देखिए जो स्टेटिव वर्ब होती हैं उनमें बी प्लस फोर यूज नहीं होता, तो मुझे यहाँ से बी हटाना पड़ेगा और यहाँ से फोर. तो यहाँ से बी फोर हटाऊंगा तो केवल और केवल आपका एच और बी में से बी खत्म तो बचेगा एस, तो ये बचेगा आपका आई हैव सीन. आई हैव सीन बचेगा, बी नहीं यूज होगा. यानी कि ऐसी स्थिति में आप यूं कह सकते हो कि गुरुजी परफेक्ट कंटिन्यूअस में से कंटिन्यूअस नहीं बल्कि परफेक्ट ही बनाते हैं जब क्रिया स्टेटिव वर्ब हो. तो ऐसी स्थिति में यहाँ ये सा नाम की जो क्रिया है ये स्टेटिव वर्ब है, ये सा नाम की क्रिया आपकी स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब जो होगी वो अपने अंदर बी प्लस फोर नहीं लेगी. लेकिन यहाँ जो सेंस है ये कहता है कि मेरे केस में एच और बी आता है, स्टेटिव वर्ब कहती है आता होगा तेरे केस में एच और बी, मैं बी फोर को नहीं आने दूंगी. तो हम कह रहे हैं कि भैया को कुछ एक हाथ तो लगने दे, तो ऐसी स्थिति में हम बी फोर की बजाय केवल एस थड़ी लगा देते हैं. तो फाइनली सेंटेंस ये बनता है आपका आई हैव सीन, ये वाला. तो यहाँ सा नहीं बल्कि हैव सीन आएगा, क्यों? क्योंकि स्टेटिव वर्ब एच और बी को पूरे को नहीं आने देगी, हमें बिना बी के ही एच लगाना पड़ेगा, और एस थर्ड इसमें सिंस की वजह से आ रहा है. आना तो दोनों एच और बी को चाहिए था, बट दोनों नहीं आ सकते ड्यू टू कॉज, कारण बोले तो स्टेटिव वर्ब. चलिए आगे, ये लास्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए. टाइमर स्टार्ट है आपका. ऑल दो द पुलिस ऑफिसर्स सिंपथाइज, जल्दी से करिए फटाफट. कह रहा है भाई, although the police officer sympathized with the poor, he refused to took action against the rich man. साफ साफ दिख रहा है यहाँ took नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि took के बाद verb की first form use होती है, इसलिए took नहीं बल्कि take आएगा. हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, took के बाद हमेशा verb की first form आती है. तो गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए, सबको ये वीडियो दिखाइए, लाइक कर दीजिए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल वाली क्लास में. और हमारा क्लास का सिस्टम ऐसा रहेगा, दो दिन हम ग्रामर लेंगे, दो दिन हम वोकैब लेंगे, दो दिन इडियम फ्रेज लेंगे. इस तरह से हम डिफरेंट 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 लेंगे ताकि हम बोर ना हो और इंटरेस्ट बना रहे. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको, जैसा कि मैंने फील किया है कि स्टूडेंट्स के लिए
यानी कि क्लास उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट बाकी की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग अपना टाइम व्हाट्सएप पर स्टेटस देखने में, स्टेटस लगाने में बिजी होते हैं, और कुछ टाइम और उसी टाइम पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने टाइम को यूटिलाइज करके क्लास ले रहे होते हैं। ऐसा मैंने जनरली कल भी फील किया था, कल मैं देख रहा था कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास ले रहे हैं मेरे, और कितने स्टूडेंट्स हैं बोले तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेटस वगैरह में बिजी हैं। तो मैंने नोटिस किया और मैंने उनकी लिस्ट बनाई। मैंने वहाँ कल एक चीज़ नोटिस की कि हाँ, मैं श्योर हूँ कि ये स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में डेडिकेटेड नहीं है। इस तरह के स्टूडेंट्स का नंबर या मतलब जो कॉन्टैक्ट है वो लिस्ट में से हट जाना चाहिए। या तो वो अपने करियर के लिए सजग नहीं है, या उनको हमारी क्लास में इंटरेस्ट नहीं है। इन दोनों में से अगर कोई भी कारण हुआ, तो दोनों में से कोई भी अगर कारण है, तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से हटने का पूरा अधिकार रखता है। हमें इस तरह के स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट में रहना भी नहीं है, ना तो उनको अपने करियर की टेंशन है, ना फिर उनको हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर हमें नहीं लगता कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स को परेशान करना चाहिए। बट मैं रोज़ाना ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत नोटिस करता हूँ जो डेली लाइव लेते हैं, अपना टाइम देते हैं, प्रॉपर क्लास लेते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। गाइज प्लीज़, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप बताओगे इसके बारे में, मेरा तो इतना ही फ़ायदा है कि मेरा नाम होगा आप लोगों की वजह से। पर आपका ये फ़ायदा है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ लेके आ रहे हो इस चैनल पर, तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, अपन कंटेंट को और इम्प्रूवमेंट ला के देंगे, अच्छी चीज़ें हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो, अगर आपको सच में लगता है कि आपको कुछ करना है और अजीत सर सच में ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, तो फिर आप मुझे अपना टाइम प्रॉपर तरीके से दीजिए। यहाँ रिक्वेस्ट तो आप लोगों को करनी चाहिए, बट हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डेली आया करें 100 काम को छोड़ करके। राइट गाइस, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल वाले सेशन में। आपका धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।